फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंध्या, न्यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए या सेकेंड ईयर के लिए आप लोग को कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। राइट, पूरा वीडियो देख लेना यार, फिर एक बहुत जरूरी चीज मैं बताऊंगी जो आपकी काफी ज्यादा काम की होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ टॉट्स। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट्स, ये लॉ ऑफ टॉट्स बांगिया की बुक है यार। ठीक है, डॉक्टर आर के बांगिया। ये काफी ज्यादा सिंपल बुक है, और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैं कैसे पढ़ाती हूँ, हर चीज को ब्रेक कर देती हूँ, बहुत सारी चीजों के सब पार्ट्स करके आपको पढ़ाती हूँ, जिसकी वजह से वो चीजें आपको इजी लगती है। वही इन्होंने भी किया है, आर के बांगिया ने काफी सारी चीजें ब्रेक डाउन की है। ठीक है, इसलिए काफी बुक ईजी है पढ़ने में। और जैसे होता नहीं कि मैं नेट से भी मटेरियल पढ़ लूं, यहां से भी पढ़ लूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ये। ठीक है, तो मैंने लॉ ऑफ टॉट्स के लिए आर के बांगिया ली, ये मेरी मैम ने मुझे सजेस्ट की थी, एंड आई मस्ट से बहुत ज्यादा अच्छी बुक है इस सब्जेक्ट के लिए। गाइस, हमारी नेक्स्ट बुक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ये भी आर के बांगिया की है यार, अब देख सकते हो। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट की, अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वन है तो ये पार्ट वन है, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट टू आएगा, उसमें भी आपको आर के बांगिया की अवेलेबल मिलेगी। ठीक है गाइस, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ मैं जो भी वीडियो में आपको बता रही हूँ वो बुक्स मैंने पर्सनली परचेज की है और उन्हीं से पढ़ा है। ठीक है, इट माइट हैपन जब आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको और भी शॉपकीपर ऑप्शंस दिखाएगा, अल्टीमेटली ये आपका ही डिसीजन होगा यार, आप क्या परचेज करना चाहते हो। ठीक है ना, काफी बार ऐसा होता है कि मैं गई तो आर के बांगिया लेने थी, बट लेकर आ गई अवतार सिंह। अवतार सिंह इज रियली कॉम्प्रिहेंसिव। देखो, कुछ कुछ होती है ना कि बुक्स स्कॉलरली लेवल की होती है, हमारे लिए वो बनी नहीं है, वो प्रोफेसर्स के लिए बनी है, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए बनी है। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसी और बुक्स बताऊंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक और आती है अवतार सिंह, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, पढ़नी चाहिए, अच्छी है, लेकिन अभी कैसे पढ़ोगे यार, अभी तो स्टार्ट हो रहा है लॉ ना, अभी तो धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है। अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका और अचानक से आप इतनी भयानक बुक्स पढ़ने लगोगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूं, है ना, ऐसा फील आने लगेगा। इसलिए नॉर्मल बुक से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जब आप मूड कोर्ट में जाओगे या कैसे कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तब आप उन बुक्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, उन बुक्स के मटेरियल को यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा मानना है कि फंडे क्लियर रखने हैं हमें। अगर फंडे क्लियर रखने हैं तो उसके लिए ये सारी बुक्स अच्छी हैं, लॉ ऑफ टॉट्स के लिए बांगिया की। ये छोटी छोटी लग रही है यार, लेकिन मैं काफी सही मैटर है, एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देंगी ये सारी बुक्स। सो यार, अब आपका बेयर एक्ट भी आने वाला है। राइट, बेयर एक्ट वो होता है जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे रहते हैं। सो बेयर एक्ट में भी एक तरफ हिंदी लिखी होगी, एक तरफ इंग्लिश लिखी होगी, इसको कहते हैं डायलॉग। अगर आपको ऐसा बेयर एक्ट पसंद है कि जिसमें एक तरफ इंग्लिश लिखी हो और दूसरी तरफ हिंदी में उसका ट्रांसलेशन लिखा हो, अगर ऐसा वाला चाहिए तो डायलॉग वाला परचेज कर लेना। मेरे पास ये सेंट्रल लॉ एजेंसी का है, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने लिया था। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप ऐसा वाला ले सकते हो, या सिंपल जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही लिखी हो वो वाला भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ भी आएगा। आपका फैमिली लॉ में दो लॉज आते हैं यार, एक हिंदू लॉ आता है और एक मुस्लिम लॉ, वो दो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। तो पहले हम हिंदू लॉ डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू लॉ के लिए दो बुक्स है मेनली, पहली है आर के अग्रवाल। ठीक है, आर के अग्रवाल की हिंदू लॉ की, तो ये काफी सिंपल बुक है। ठीक है, रीड करने में काफी ज्यादा सिंपल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और लेवल अपना हाई करना है कि नहीं हमें तो थोड़ी ज्यादा अच्छी वाली चाहिए, थोड़ी सी टफ हो वो, तो उसके लिए यार आप पारस दीवान यूज कर सकते हो। ठीक है, अगेन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है ये, आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और बेयर एक्ट की बात आती है तो वही मैंने डायग्लॉट का यूज किया था यार, हिंदी इंग्लिश दोनों थी इसमें। ठीक है, ये वाला बेयर एक्ट मैंने यूज किया था। पारस दीवान में आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा केसेस है पारस दीवान में, इतने आपके आर के अग्रवाल में नहीं है, हिंदू लॉ के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको काफी ज्यादा केसेस पढ़ना पसंद है तो पारस दीवान इज गुड। ठीक है, और उसमें काफी ज्यादा मैटर भी है, आर के अग्रवाल से बहुत ज्यादा मैटर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं मुस्लिम लॉ के लिए। मुस्लिम लॉ के लिए मैंने अकील अहमद यूज की थी। ठीक है, अकील अहमद यूज की थी, मेरी मैम ने रेकमेंड की है, जितनी बुक्स बता रही हूँ मेरे टीचर्स ने यार रेकमेंड की है, एंड आई एम थैंकफुल टू माय टीचर्स कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक्स बताई है ना। सो अकील अहमद में यार ये भी काफी सिंपल बुक है, बट एक चीज याद रखना,
ऐसी बहुत भारी भारी बुक्स भी आती है, जैसे कि मुल्ला की बुक आती है, वो काफी ज्यादा भारी बुक है, ठीक है, मुस्लिम लॉ के लिए बता रही हूँ। तो मेक श्योर आप सिंपल बुक्स ही परचेज करें, ठीक है। ये देखो अकील अहमद की बहुत अच्छी बुक है, आई मस्ट से मुस्लिम लॉ के ऊपर बहुत अच्छी मुझे लगी ये बुक, मैंने पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है यार कॉन्स्टिट्यूशन की बारी, लास्ट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखो अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके लिए आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में। पहली तो आपको एमपी जैन मिल जाएगी, एमपी जैन ले लो जाके, है ना, और भी ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। तो उसमें से बेस्ट बुक जो बच्चा अभी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहा है, अगर मैं रिकमेंड करती तो मैं करती जेएन पांडे, ठीक है। जेएन पांडे देखो ऑलरेडी इसकी साइज देख लो कितनी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो अगर तुम एमपी जैन लेने की सोच रहे हो या कुछ ऐसी भयानक बुक लेने की सोच रहे हो, अभी मत सोचो प्लीज, पहले ये पढ़ के देखो। इसमें तो ऑलरेडी इतना मैटर है यार, मैं भी पूरी पढ़ भी नहीं पाई हूँ, इतना ज्यादा मैटर है, सोचो जेएन पांडे में। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लिटरली इतना ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा आपको, आपको कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे खुद के ऊपर, राइट। तो जेएन पांडे प्रेफर करना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इफ यू आर स्टार्टिंग, ठीक है। फिर आगे जरूरत होगी तुम एमपी जैन भी पढ़ लेना, ठीक है। एक और है डीके बसु, ठीक है। डीके बसु भी बहुत ज्यादा पतली सी बुक है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा यू नो टू द पॉइंट कॉन्टेंट दिया हुआ है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है एंड टू द पॉइंट कॉन्टेंट दिया हुआ है। अब बेयर एक्ट की बारी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट के लिए मैंने पीएम बख्शी लिया, ठीक है, पीएम बख्शी। सो एक और चीज, अब मैंने इतनी सारी बुक्स बता तो दी, अब आप इन बुक्स को पता कैसे करोगे या सिलेबस से मैच कैसे करोगे या पढ़ के कैसे देखोगे कि बुक आपके लिए है या नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में यार सबके लिए मैंने पीडीएफ डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा एक चैप्टर का दे दिया है जिससे आप रीड करके पता कर सकते हो कि इसकी लैंग्वेज कैसी है बुक की। सो सिलेबस से मैच करके भी देख सकते हो आप लोग की बुक आपके सिलेबस के हिसाब से है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कोई और बुक या फिर प्रेफर करना, राइट, या पता कर लेना मुझसे। सो प्लीज वो सारी पीडीएफ्स को जरूर रेफर करना, ठीक है, जाके देखना, रीड करके देखना अच्छे से कि आपको अच्छी लगी बुक्स, और प्लस ये भी चीज चेक करना कि आपके सिलेबस के हिसाब से है या नहीं, राइट। कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना या इंस्टा आईडी लॉ पीप्स पर आके मैसेज कर देना, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे बहुत खुशी होगी यार आपकी हेल्प करके इन सारी चीजों में, स्पेशली जहां पे बंदा बहुत ज्यादा डाउट में रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होता है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हो तो और ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, आप ऑफलाइन परचेस करने जाते हो तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन दे देता है शॉपकीपर, राइट। सो मैंने काफी ज्यादा बुक्स ऑनलाइन परचेज की हैं, ठीक है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। नाउ कम्स हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला बिकॉज हिस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है ही नहीं, ठीक है। एक बुक है हिस्ट्री के लिए, वो है एमपी जैन की। अगेन एमपी जैन की इतनी भारी बुक उठा के करोगे क्या, हिस्ट्री पढ़नी है तो यार तुम नेट से उठा के कर लो, यू नो ट्राई करो कि तुम्हें नेट से ही मिल जाए कंटेंट। फालतू तुम बुक खरीदोगे और उसका कोई यूज भी नहीं होने वाला, हिस्ट्री आगे जाके यूज में नहीं आएगी, ये सारी आपके यूज में आने वाली है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए हिस्ट्री के लिए बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कोशिश करना नेट से ही कंटेंट उठा लो हिस्ट्री के लिए, आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। मैंने भी यही किया इसीलिए आपको भी यही सजेस्ट करूंगी। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यही बोलूंगी, कोई अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है, नेट से ही कोशिश करना तुम उठा लो, ठीक है, क्यों काफी ज्यादा इस बार के जो पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ोगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में वो आपको नेट पे 100% मिल जाएगी, ठीक है, वो ऐसी पॉलिटिकल साइंस है। तो कोशिश करना वहीं से उठा के पढ़ लो, वहीं पे नोट्स बना लो आप नेट से देख के, वो ज्यादा काफी इजी चीजें होंगी। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स के पीछे प्लीज मत भागना, क्योंकि मैं बहुत भागी थी, टाइम वेस्ट हुआ था। इससे अच्छा नेट से बना लेते तो ज्यादा टाइम बच जाता मेरा, पढ़ भी पाते ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अभी ही सजेस्ट कर रही हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, गूगल बाबा की शरण में चले जाओ प्लीज जितनी जल्दी हो सके। कोशिश करना बुक्स ऑनलाइन परचेज करो, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है डील अच्छी मिलती है ऑनलाइन, ये चीज मैंने चेक की है। तो कोशिश करना ऑनलाइन ही परचेज करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वी मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।